हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है पार्टनरशिप चैप्टर के लिए, ये सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आज इस लायक हो सका हूँ कि थोड़ा बहुत अकाउंट्स मुझे आता है, या गुडविल या पार्टनरशिप या कोई भी अकाउंट का थोड़ा सा भी जो समझ आता है, या मैं जो समझाने में सफल हो पा रहा हूँ, या जो आप समझ पाओगे, ये सब कृपा है, देन है हमारे लिविंग लेजेंड द ग्रेट अकाउंटिंग मास्टर मिस्टर प्रवीण शर्मा सर की। उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सका हूँ। इसके लिए मैं उनका दिल से हार्दिक शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज मैं अकाउंट्स सीख पाया हूँ। मैं भी उनके कुछ बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हूँ। तो ये पहला वीडियो जो मैं अपने अकाउंट्स को लेकर बनाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे आईपीसी या किससे रिलेटेड है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ग्रेट मिस्टर प्रवीण शर्मा सर। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुडविल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ गुडविल। हमें पता होना चाहिए कि गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल किस चिड़िया का नाम है? गुडविल होता है फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल का मतलब है फ्यूचर के प्रॉफिट्स। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, कि गुडविल का मतलब तो किसी की क्या मार्केट में वैल्यू है, या क्या सा वो व्यक्ति माना जाता है वो होती है। लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम गुडविल का मतलब यही मानते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट्स। गुडविल मींस फ्यूचर में कोई फर्म क्या कमाने वाली है, या पार्टनर्स ऑफ फर्म क्या कमाने वाले हैं, वो उसे गुडविल कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में, किसी फर्म में दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो कि दो रेशो एक में पार्टनर्स हैं। दैट मीन्स वो जो भी फ्यूचर में कमाएंगे, उसे दो रेशो एक में आपस में बांटेंगे। अब मान लीजिए सपोज उन्होंने 50,000 रुपये कमाने हैं फ्यूचर में,
ये उनका एक एस्टिमेशन हो गया भी हम 50,000 रुपये कमाएंगे फ्यूचर में। अभी अगर वो 50,000 रुपये कमाएंगे फ्यूचर में तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 50,000 का 2/3 हिस्सा, और ये ए को मिलेगा, और बी को मिलेगा 50,000 का 1/3 हिस्सा। कितना हो गया ये? ये हो गया 33,333 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी चेक, ठीक है 33,333। एंड बी को कितना मिलेगा? 16,667। ये ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा। अभी मान लीजिए सी आ जाए और उन्हें कहे कि मुझे अपना पार्टनर बना लो, कि मुझे अपना पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए ए और बी सी को अपना पार्टनर बना ले तो जो ये फ्यूचर में 50,000 रुपये के प्रॉफिट्स होंगे, जिन पर ए और बी का राइट है, अब उसमें सी भी शेयरिंग करेगा अगर वो उसे अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये गलत होगा ए और बी के साथ, कि जिस 50,000 को कमाने के लिए उन्होंने मेहनत की है, वो 50,000 रुपये का प्रॉफिट जो कि इन दोनों को मिलना चाहिए था, अगर वो सी को अपना पार्टनर बना ले तो वो उसमें कुछ हिस्सा उसे भी देना पड़ेगा। लेट्स सपोज उन्होंने सी को अपना एक रेशो में पार्टनर बना लिया, दैट मीन्स न्यू रेशो मान लीजिए हो गई 2:1:1। अब क्या होगा? अब जो फ्यूचर में 50,000 के प्रॉफिट होंगे तो ए को कितना मिलेगा? 50,000 × 2/4, दैट मीन्स 25,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 12,500 और सी को भी मिलेगा 12,500। अब क्या होगा? अब ए कहेगा कि मुझे मिलने तो थे 33,333 रुपीज़ और मुझे मिल रहे हैं 25,000 रुपीज़, और बी कहेगा मुझे मिलने थे 16,667 और मिलेंगे 12,500, और इस तो कुछ मिलना नहीं था लेकिन अब इसे मिलेंगे 12,500 रुपीज़। आपको नहीं लगता ये ए और बी के साथ नाइंसाफ़ी है? उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे कम मिलेगा। जिस 50,000 को कमाने के लिए उन्होंने सारी मेहनत की, उसमें सी कुछ हिस्सा ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सी को ए और बी को कंपनसेट करना चाहिए? ये जो सी ए और बी को कंपनसेट करेगा, इस कंपनसेशन की अमाउंट को जो सी लेकर आएगा उसे बोलते हैं गुडविल में हिस्सेदारी, जो सी ए और बी के लिए अपनी फर्म में लेकर आएगा। अब जब सी ए और बी को फर्म में लेकर आएगा गुडविल की हिस्सेदारी, तो ए और बी उससे वो पैसे लेंगे। अब क्या होगा? ए और बी अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं सी की को एडमिट करने के लिए, प्रॉफिट में अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं ए और बी। तो क्या होगा? वो एक तरह से
कंपनी के फर्म के क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर, क्योंकि उन्हें मिलने थे ए को मिलने थे ए को मिलने थे 33,333 रुपये। मिलेंगे कितने, ए को मिलने थे इतने, ये मिलने थे, मिलने थे वर्सेस ये उसको मिलेंगे। अब उसे कितने का नुकसान हो गया, रात 333 रुपए का सैक्रिफाइस हो गया उसका। अब ये कहे रोएगा ए कि मुझे तो मेरा पूरा प्रॉफिट चाहिए जिसके लिए मैंने मेहनत की है, मुझे तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो घाटा हो रहा है मुझे। तो क्या होगा, उससे फर्म बोलेगी कि तू रो मत, तेरा ये घाटा मैं पूरा करूँगी, आज से तू मेरा क्रेडिटर हो गया। दैट मीन्स तू मेरा क्रेडिटर हो गया मीन्स टू सी सॉरी टू ए। अब जो बी है वो बोलेगा कि मेरे को मिलने थे 16,670 रुपये और मिल रहे हैं मेरे को 12,500 रुपये, मेरे को भी 4,167 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। वो कहेगा मेरे को भी लॉस दो, तो फिर मुझसे भी बोलेगी तू भी रो मत, तेरे को भी पैसा मैं दूंगी। टू बी 8,333। अब सी कहेगा कि मैं तो फर्म बोलेगी तुझे तो कुछ मिलना ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुझे 12,500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो पैसे जो तुझे मिलने नहीं थे लेकिन फिर भी मिल रहे हैं, इसलिए मैं तेरे से पैसे लूँगी। ये बन जाता है फर्म का डेटर, एक तरह से डेटर। तो अब क्या होगा, ये पैसे लाएगा, तो क्या होगा, सी अकाउंट डेबिट कितने से, 12,500 से। अब ये पैसे लाएगा और ये पैसे इन दोनों को दिए जाएंगे, इसको ए और बी को। अब ये सिर्फ ये तो होगी गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री, दिस इज गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री कि गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। अब सी 12,500 गुडविल के लिए लेकर आएगा और कुछ वो पैसा कैपिटल में भी लेकर आएगा, तभी तो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन पाएगा। और जो पैसा वो पार्टनरशिप फर्म के फर्म में पार्टनर बनने के लिए एज अ कैपिटल आएगा, उसे बोलते हैं कि वो जो कैपिटल आ रहा है वो, तो मान लीजिए उसने 1,00,000 रुपये कैपिटल लाई, ही ब्रिंग्स रुपी 1,00,000 एज कैपिटल, तो टोटल वो कितने रुपए ला रहा है, 12,500 टुवर्ड्स गुडविल और 1,00,000 रुपये टुवर्ड्स कैपिटल। अब एंट्री आएगी, जब वो लेकर आएगा पैसे, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कितने के से, 1,00,000 तो ये जो कैपिटल के और 12,500 जो गुडविल के, 1,12,500। अब ये जो एंट्री बनी 1,12,500 रुपये की, इसको हम क्या कहेंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये पैसे वो ला रहा है। ये सारा कॉन्सेप्ट है गुडविल का पार्टनरशिप फर्म के लिए। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में एंट्रीज पास होती हैं गुडविल की, कुल मिलाकर 4 एंट्रीज पास होती हैं गुडविल की पार्टनरशिप फर्म में, जो कि मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ गुडविल लिख लेते हैं, क्या होता है मीनिंग ऑफ गुडविल, मीनिंग
of good will. It means adjustment. Which will result in, it means advantages, not adjustments, it's advantages which will result in future future profits arising due to past efforts. अब गुडविल की एंट्रीज क्या होंगी? इसकी पहली एंट्री होती है, पहला स्टेप गुडविल की एंट्री का, राइट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी appearing in balance sheet. इसका क्या मतलब हुआ? कभी कभी क्या होता है कि balance sheet हमें जो दी होती है उसमें already goodwill appear हो रही होती है, तो इसको हमें write off करना होता है सबसे पहले. तो इसको write off करने की entry क्या होती है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये बुक वैल्यू पर राइट ऑफ होती है. इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी दूसरी जर्नल एंट्री, दूसरा जो होता है वो होती है गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री. गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री, जो कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ये इसमें क्या होता है, डेबिट न्यू पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट मीन्स जो नया पार्टनर एंटर हो रहा है उसको हम डेबिट करते हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू रेशियो टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो बीइंग गुडविल एडजस्टेड. यहां पर आना बीइंग गुडविल राइट ऑफ यहां पर आगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड. अब तीसरी एंट्री क्या होगी इसकी? तीसरी होगी कैश मंगवाने की. जो नया पार्टनर है वो कितना पैसा फर्म में लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड लास्ट एंट्री ये होती है गुडविल रेज करने की एंट्री। ये जो एंट्री हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत एंट्री होगी, लेकिन हम फिर भी ये एंट्री सीखेंगे और करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो तभी ये एंट्री पास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो ये फोर्थ एंट्री है गुडविल रेस करने की, गुडविल रेस। इसकी क्या एंट्री होगी गुडविल रेस करने की, ये भी लिख लीजिए कि ये तभी रेज होगी इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अदरवाइज ये नहीं होगी। अगर क्वेश्चन कह दे तो ही हम ये एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इस एंट्री को हम कैसे पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्री क्यों गलत है। सबसे पहले इस एंट्री को हमारा AS 26 ही गलत बोलता है, वही ये एंट्री डालने से मना करता है। उसमें लिखा गया है कि गुडविल रेज नहीं की जा सकती, फिर भी अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि गुडविल रेज करें तो हम कर देंगे, अदरवाइज ये गुडविल रेज नहीं हो सकती। क्यों नहीं रेस हो सकती, इसका सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट से, अब जो चीज़ फ्यूचर में होगी कितनी होगी क्या होगी ये फिक्स नहीं है, उसका हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं। हमने अंदाज़ा लगाया कि हमको फ्यूचर में इतने प्रॉफिट्स होंगे। अब जो बात एक अंदाज़ा है, जो फ्यूचर अभी तक हुई नहीं वर्तमान में, तो क्या आप वो कर लोगे। गुडविल रेस करने का मतलब होता है गुडविल पार्टनर्स ने आपस में बांट ली। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही एंट्री पास हो रही है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, यानी कि जो गुडविल या जो फ्यूचर के प्रॉफिट अभी तक आपको हुए नहीं वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिए, खा लिए। अभी तक जो पैसा जो चीज़ आपको हाथ में आई नहीं वो आपस आप हाथ कैसे बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। इसीलिए गुडविल की ये एंट्री बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया हो कि ये एंट्री पास करो तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये एंट्री पास, ये गुडविल की रेस करने की एंट्री, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कैसे गुडविल की सम जो है हम करेंगे, अब गुडविल को सॉल्व कैसे करेंगे सब। अब उसकी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर है किसी फर्म में, एग्जांपल दो पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो रेशो एक में पार्टनर है फर्म में। जो फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ फर्म, वो है 50,000 रुपये। सी एडमिटेड, उन्होंने सी को पार्टनर बना लिया फॉर एंड न्यू रेशो इज 2:1:1। सी 10,000 रुपये गुडविल प्रीमियम के लाया, गुडविल प्रीमियम
एंड रुपी 1 लाख वो लाया कैपिटल के पास जनरल एंट्रीज। अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले क्या हमें इस क्वेश्चन, हमें ये देखना है कि क्या हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है या फिर कहीं इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल तो नहीं आ रही। जो गुड, अगर बैलेंस शीट में गुडविल तो नहीं आ रही, अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है इसका मतलब पार्टनर्स ने गुडविल आपस में बांट ली है, जो कि हो नहीं सकता। तो हमें वो सबसे पहले हटानी पड़ती है, राइट ऑफ करनी पड़ती है, जो कि इसकी हमारी पहली एंट्री होती है गुडविल की, जो मैंने लिखाई थी आपको। अब देखिए पूरे सम में कहीं भी वो एंट्री नहीं है। अब दूसरी एंट्री क्या होती है गुडविल की? दूसरी एंट्री होती है गुडविल को लाने की न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब नया पार्टनर कौन है? सी। सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पुराना पार्टनर कौन है? ए एंड बी। अब यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका जो मैंने अपने सर से सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए वर्किंग नोट हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। सबसे पहले कितने पार्टनर्स हैं फॉर्म में, पुराने और नए मिलाकर ए बी सी, 3 पार्टनर हैं। अब जो पहला पार्टनर है, सॉरी, अब ये जो पार्टनर है इनकी, इन फॉर्म की गुडविल कितनी थी? 50,000 रुपये। और ये कितनी रेशो में पार्टनर थे? 2:1 में। यानी कि इनको कितने रुपए मिलने थे गुडविल टू बी क्रेडिटेड, इनके अकाउंट में कितनी गुडविल जानी थी? देखिए 50,000 टू डिवाइड बाय 3, इसको मिले थे 33,333 रुपये और इसको मिले थे 16,667 रुपये। और सी को तो कुछ मिलना नहीं था। अब उन्हें मिलेंगे कितने? अब जब सी एंटर हो गया तो उन्हें मिलेंगे कितने गुडविल टू बी डेबिट? उन्हें मिलेंगे 25,000, 12,500 और 12,500 रुपये। तो अब ये क्या आ गया, 8,333 रुपये। ये देखिए इसमें क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है? क्रेडिट। तो ये क्या हो गया, 8,333 रुपये क्रेडिट। इसी तरह से यहाँ पर क्रेडिट बढ़ा है और यहाँ पर क्या है, डेबिट। क्यों? क्रेडिट तो था ही ना, उसको कुछ मिलना ही नहीं था, लेकिन उसे मिल रहा है 12,500 रुपये। दैट मीन्स सी जो है वो 12,500 रुपये लेकर आएगा टुवर्ड्स गुडविल और हमारी एंट्री में ये ऐसे आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500 टू ए। ए को कितने देने उसने? 8,333। अब उस अकॉर्डिंगली हम अपनी एग्जांपल चेंज कर लेंगे। हमने एग्जांपल में सी के दिखा था कि 10,000 वो गुडविल के ला रहा है, लेकिन उसको 12,500 रुपये लाने पड़ेंगे। थोड़ी सी हमारी अम्पशन गलत हो गई। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये तो होगी हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, अब बी क्या ला रहा है, कैश। कैश में वो क्या ला रहा है, 12,500 रुपये गुडविल के और 1,00,000 रुपये कैपिटल के। दैट मीन्स वो कितने रुपए टोटल आ रहा है,
1,12,500 रुपये, यानी कि वो 1,12,500 रुपये की कैपिटल ला रहा है। 12,500 भी कैश इंट्रोड्यूस, अभी गुडविल रेस करने की एंट्री कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो हम नहीं पास करेंगे। सो हम कोई भी अगर गुडविल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हम ये चार एंट्री देखेंगे, अगर पहली और लास्ट वाली एंट्री तभी करेंगे क्वेश्चन में हो, अदरवाइज़ ये दो एंट्रीज तो होंगी ही होंगी। यही पूरा कॉन्सेप्ट है गुडविल के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए तो गुडविल कैलकुलेट करनी बहुत ही आसान हो जाएगी। अगले वीडियोस में मैं कुछ और एग्जांपल्स लेकर आऊँगा गुडविल के ऊपर, जिससे कि हम कुछ और अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, और हमें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अगर आप को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको आईपीसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक समझने में मुश्किल आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो वीडियो में सब समझा सकूँ। सो थैंक यू।